वेलकम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बीबी बस, इन विच वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री, बिग बॉस। एज यू ऑल नो, बिग बॉस का हर एपिसोड लड़ाई, झगड़े, हंसी मजाक, रूठना मनाना इन सबसे भरा होता है। लेकिन इस हफ्ते काफी कुछ अलग नजर आया। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में जमकर ड्रामे हुए हैं, बवाल मचा है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई की लड़ाई माहिरा से हुई, आसिम की लड़ाई सिद्धार्थ शुक्ला से हुई। अब क्योंकि आज शनिवार की रात है तो सोशल मीडिया का मिजाज बदल गया है, क्योंकि आज रिपोर्ट कार्ड में हिसाब होगा तो सोशल मीडिया एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बिग बॉस का एक प्रोमो वीडियो आउट होता है जिसकी जानकारी हम आपको दे भी चुके हैं, आपने भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कलर्स टीवी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, ये वीडियो देखिए। इसमें सलमान खान रश्मि देसाई को वॉर्न कर रहे हैं। इसमें सलमान रश्मि को समझा रहे हैं कि औरों के गेम प्लान पर ध्यान देने से अच्छा है अपने आप पर ध्यान दो। कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, उससे बेटर है रश्मि कि आप अपना गेम संभालो, क्योंकि इस बार आप वोटिंग की रेस में विशाल आदित्य सिंह से भी पीछे हो। जिस विशाल को रश्मि वीक समझती थी, उनसे भी रश्मि देसाई पीछे हैं। अब ये बात रश्मि देसाई के फैंस को जरा भी रास नहीं आई और इसी वायरल प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर जो बस बन गया है, हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आप उसे देखिए। रश्मि देसाई को वीकेंड के वार पर सलमान खान से पड़ी है फटकार। शो का जो आउट हुआ है प्रोमो, वो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। रश्मि देसाई विशाल आदित्य सिंह को लेकर कह रही थी कि वो वीक हैं, लेकिन सलमान खान ने रश्मि को कहा कि इस बार तो विशाल को आपसे भी ज्यादा वोट मिले हैं। जैसे ही शो का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर आउट हुआ, जैसे ही बिग बॉस सीजन 13 के इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया, भाई यहां पर यकीन मानिए हड़कंप मच गया है। रश्मि देसाई के फैंस ने उन्हें धड़ल्ले के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। रश्मि देसाई के फैंस बार बार कह रहे हैं एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इन सब से, क्योंकि इनके लिए रश्मि देसाई हैं क्वीन ऑफ हार्ट। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ट्वीट्स जो रश्मि के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर किए गए हैं, वो ट्वीट्स जिन्होंने हड़कंप मचा दिया है। और इन ट्वीट्स को देखकर पता चलता है कि अगर सलमान खान रश्मि को डांट फटकार लगा भी दें, अगर सलमान खान रश्मि देसाई को दो चार बातें सुना भी दें, तो भी फैंस का प्यार रश्मि को मिलना जरा भी कम नहीं होगा। सबसे पहला ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, इसमें प्रियंका ने लिखा है, लाइक्ड हर सिंस डे वन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। एवरीवन ट्राइड टू ब्रेक हर कॉन्फिडेंस एंड डीमोटिवेटेड हर, बट शी स्टिल स्टूड स्ट्रॉन्ग, क्वीन ऑफ हार्ट्स रश्मि। आगे चांद ने लिखा है, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, हाउ कैन दे लाई टू blankly to break Rashmi down. I still can't believe they made her believe the likes of Chipkali Mahira got more votes than her. Queen of Heart, Rashmi. Amar Van ne likha hai, you are the master of your attitude. You cannot control what happens to you, but you can control the way you think about all the events. You always have a choice. You can choose to face them with a positive mental attitude. Queen of Heart, रश्मि। विशाल गॉट मोर वोट्स या वोटिंग सिस्टम में बिग बॉस ने कुछ गोलमाल किया, क्वीन ऑफ हार्ट्स रश्मि। ममता चौधरी लिखती हैं, विशाल टुक रश्मीज नेम फॉर द टास्क रत पनिशमेंट, सलमान गेव रश्मि अ लेसन, दूसरों के लिए चिंता करना छोड़ो, अपने लिए सोचो, टेक इट पॉजिटिवली। सलमान खान ऑलवेज सपोर्टेड हर इनडायरेक्टली, शी ऑलवेज फॉट फॉर हिम एंड रिटर्न्स शी गॉट बाबा जी का ठुल्लू, क्वीन ऑफ हार्ट रश्मि। जहां एक तरफ रश्मि देसाई को सपोर्ट करने वाले ये फैंस इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि रश्मि को माहिरा से और विशाल से कम वोट्स मिले हैं, वहीं इन सबसे हटकर
रश्मि देसाई पर प्यार लुटाने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके लिए रश्मि है सबसे बेस्ट, ये करेंगे रश्मि को इसी तरह प्यार और ये इसी तरह से रश्मि देसाई को अपना मानते जाएंगे। खैर, आज वीकेंड के वार पर ये जब ड्रामा होगा आप इसे जरूर देखिए और उसके बाद नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने दिल की बात जरूर बताएं। तो रश्मि देसाई के फैंस का यही कहना है, चाहे कोई कितने भी कर ले सितम, रश्मि ही है उनकी पहली और आखिरी पसंद। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही हाल आसिम रियाज के साथ भी है। सेलिब्रिटीज जो हैं, जो सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहे हैं आसिम के खिलाफ ही हैं, वो जब आसिम को ट्वीट करते हैं, जब आसिम को क्रिटिसाइज करते हैं, जब आसिम रियाज के खिलाफ कुछ लिखते हैं, उन्हें पता होता है कि वो जो भी लिख रहे हैं उसका नेगेटिव असर ही पड़ेगा। इन सेलिब्रिटीज को भली भांति पता है कि ये जो भी लिखेंगे उससे आसिम रियाज के फैंस गुस्सा ही होंगे। फिलहाल संभावना सेठ के ट्वीट्स पर हम आपसे करेंगे बात, और उन ट्वीट्स पर आसिम के फैंस ने पलटवार करके आसिम रियाज चौधरी को बिग बॉस का ट्रू विनर कैसे बता दिया है, देखिए जरा। फिलहाल ट्रोलिंग और सपोर्टिंग ये दोनों ही आसिम रियाज के साथ भी चल रहा है। लोग आसिम को ट्रोल भी करते हैं और आसिम को सपोर्ट भी करते हैं। सेलिब्रिटीज आसिम रियाज पर गुस्सा निकाल रहे हैं। संभावना सेठ, काम्या पंजाबी, विंटू दारा सिंह, बिग बॉस के ये एक्स कंटेस्टेंट्स लगातार कह रहे हैं कि आसिम रियाज नहीं है इस शो के लायक। सबसे पहले आपको ट्रोलिंग दिखाते हैं। संभावना सेठ का ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, वो लिखती हैं, स्वामी ओम भी सोचता होगा कि भाई मुझे कंपटीशन देने वाला ये कौन पैदा हो गया। स्वामी ओम का टफ कंपटीशन इज वन एंड ओनली आसिम। संभावना सेठ ने स्वामी ओम जैसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट से आसिम रियाज की तुलना की है और कहा है कि आसिम रियाज संभावना सेठ की नजरों में स्वामी ओम से भी खराब है। आगे संभावना लिखती हैं, शो टाइम बोला आसिम एंड देन ही स्टार्टेड ऑल दिस ड्रामा, वाह। संभावना कहती हैं, आसिम लाइक्स टू जंप ऑन शुक्ला फॉर फुटेज बट इफ यू सी क्लियरली, सी इसके लिए शिफाली एंड माहिरा ही काफी हैं। शिफाली नाइसली गेव हिम, चूहे चल बिल में जा, अब आएंगे आसिम के पकौड़े मुझे गाली देने और मैं भी यही कहूंगी जो शिफाली ने कहा, कीप इट अप शिफाली। संभावना जानती है ये बात कि अगर वो आसिम रियाज को ट्रोल करेंगी तो खुद भी ट्रोल होंगी। संभावना जानती है ये बात कि अगर उन्होंने आसिम रियाज को लेकर कुछ भी कहा तो आसिम के फैंस उन्हें भी कहेंगे और इसीलिए यहाँ पर ये ड्रामा हुआ है। संभावना ने पहले आसिम को टारगेट किया और अपने तीसरे ट्वीट में कह दिया कि अब आसिम के चाहने वाले मुझे ट्रोल करेंगे और मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए जरा, संभावना सेठ तक अगर लोग आसिम को ट्रोल करेंगे तो कुछ फैंस हैं आसिम रियाज के जो उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे और यही प्यार मिल भी रहा है। ब्रह्मगीत कौर भमरा लिखते हैं, सुपर एडोरेबल मिस्टर आसिम रियाज, एम आई मैट फॉर हिम और ही इज जस्ट दैट क्यूट दैट आई एम कांट रेजिस्ट। राज मोरे लिखते हैं, दिस गाय इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव, व्हेन मधुरिमा ट्राइड टू से समथिंग नेगेटिव अबाउट सिद सना, आसिम डिनाइड इट, प्यार प्यार होता है। राजश्री लिखती हैं, इट्स सो रिलैक्सिंग टू वॉच आसिम, लाइक देयर इज अ होल अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये आसिम रियाज को लेकर लोगों का प्यार है। ट्रॉल करने वाले लोग जमकर ट्रॉल करेंगे लेकिन आसिम रियाज आगे बढ़ते जाएंगे। कहने वाले कुछ भी कहेंगे लेकिन आसिम रियाज इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आसिम को लोगों का प्यार मिल रहा है ढेर सारा, आसिम को लोग ढेर सारा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी सपोर्ट की बदौलत आसिम रियाज आज बिग बॉस सीजन 13 के टॉप कंटेंडर माने जाते हैं। इन्हीं सब की बदौलत आसिम रियाज बिग बॉस सीजन 13 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट माने जाते हैं और इन्हीं सब की बदौलत कहा जाता है कि आसिम रियाज ही हैं जो बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी को अपने घर लेकर जाने की काबिलियत रखते हैं। सो दोस्तों, बीबी बस में आज के लिए इतना ही। घर के अंदर की डांट फटकार का सोशल मीडिया पर क्या असर पड़ रहा है वो हमने आपको बताया और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए
वीकेंड का वार जरूर देखिए, नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए, रहिए अपडेटेड।